हम ये जानते हैं कि हमारे मुंह में अगर छाले हो रहे हैं तो वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण हो रहे हैं, बट ऐसा ही नहीं है कि मुंह में छाले हो रहे हैं तो वो ही विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का एक सिम्टम है। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हमें दिखने लग जाते हैं जब हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं 10 लक्षणों के बारे में बताऊंगी कि जो हमारी बॉडी, हमारा शरीर हमें बताने लग जाता है कि हमारे शरीर में ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है, जिसको हम विटामिन B12 भी कहते हैं और कोबालामिन भी कहते हैं, जो एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, कि अगर ये 10 लक्षण हमें दिख रहे हैं तो हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है। और अगर हमारे शरीर में ये 10 लक्षण दिख रहे हैं तो हमें जल्द से जल्द हमें जो है ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि हमारा जो लेवल है विटामिन B12 का ब्लड में वो कैसा है। अगर कम है तो हमें जल्दी से उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, रिवर्स हो सकता है, पर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन कौन से लक्षण हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमान आयुर्वेदा में। विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस रोल प्ले करता है, जैसे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिनको हम RBC कहते हैं, जो ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसको बनाने में मदद करता है। जो DNA है उसको बनाने में मदद करता है। जो हमारे नर्वस सिस्टम है, चाहे वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारा ब्रेन इंक्लूड होता है, या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारी जो शरीर में जो जाल, नसों की जो जाल बिछी हुई हैं वो इंक्लूड होती हैं, तो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, खून को तो रेड कलर देती ही हैं, उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन होता है जो हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी में फैलाने का काम करता है। जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ये वहाँ पर उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती हैं। तो अब कौन कौन से ऐसे 10 सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी हमें बताती है कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है। तो सबसे पहले है कि हमें जो है बार बार थकान लगती है, हमें कमजोरी महसूस होती है। हम सोच रहे हैं कि हमने अच्छा खाना खाया है, हम फिट हैं, फिर भी उसके बाद हमें थकान लग रही है, कमजोरी लग रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया कि विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम RBC कहते हैं, उसके प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी होगी तो RBC भी कम हो जाएगा। RBC कम होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम होगा। जो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे जो टिश्यूज़ हैं, हमारे जो सेल्स हैं, उसमें अच्छी तरह से सप्लाई नहीं होगी। अगर सप्लाई नहीं होगी ऑक्सीजन की, तो वहाँ पे जो टिश्यूज़ और सेल्स हैं वो थके थके से हो जाएंगे। उनको, जिसको बोलते हैं ना, अगर हमें ठीक से खाना नहीं मिलेगा तो हम कमज़ोर फील करते हैं, वैसे हमारे टिश्यूज़ और सेल भी जो हो जाएंगे वो वीक हो जाएंगे। तो उसकी वजह से हमें क्या होता है कि थकान लगती है, हमें कमजोरी महसूस होती है। तो सबसे पहला कारण है, लगता है कि हमें क्यों लग रही है, तो ये है कि सबसे पहले हमें थकान और कमजोरी महसूस होती है। दूसरा ये है कि हमारे शरीर में जो है जॉइंडिस के जैसे लक्षण दिखने लग जाते हैं। हमारा जो शरीर है वो जो है पेल कलर का, मीन सफ़ेद सफ़ेद सा लगता है, पीला पीला सा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? अब इसमें जो जॉइंडिस के जो लक्षण दिख रहे हैं, मतलब कि जो पीलापन आ रहा है, वो कोई लीवर की प्रॉब्लम की वजह से नहीं है। ये नहीं कि हमारे लीवर में प्रॉब्लम है। अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो थोड़ा बहुत जो सिम्टम है जॉइंडिस का वो देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे अभी बताया कि विटामिन B12 DNA के प्रोडक्शन में, उसके बनने में हेल्प करता है। और DNA का काम क्या होता है कि जो हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं उनको बनाने में, उनके बिल्डिंग में इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये कैसे बिल्ड करेंगे। तो अगर DNA की कमी होगी तो जो हमारा जो सेल्स हैं
वो उनको जो इंस्ट्रक्शन है वो ठीक से नहीं मिल पाएंगे, वो इनकम्प्लीट होंगे। तो जैसा कि आरबीसी के केस में, आरबीसी भी एक रेड ब्लड सेल है, तो वो क्या होगा, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा, उसका जो लेवल है वो हमारे शरीर में कम हो जाएगा, आरबीसी जो है हमारे शरीर में कम हो जाएगी, और जो बनेगी वो क्या होगी, वो बड़ी होगी और क्या होगी, फ्रेजाइल होगी, जल्दी से टूट जाएगी, इमेच्योर होगी। तो आरबीसी एक तो कम बनेंगे, आरबीसी जब कम बनेंगे तो जो एनीमिया डेवलप होता है, जो खून की कमी होती है, उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। उसी तरह से क्या होगा कि आरबीसी जो बने, जो बन भी रहे हैं, वो क्या होंगे, जल्दी से टूटने वाले होंगे, बड़े होंगे, लार्ज साइज के होंगे। तो जब ये लीवर पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो आरबीसीज होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो जब ब्रेक डाउन होंगे तो वहाँ पे एक्सेस बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होगा। तो जैसे एक्सेस बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे पीलापन दिखाई देगा। बिलीरुबिन एक तरह का पिगमेंट होता है जो आरबीसीज के ब्रेक डाउन से बनता है। तो आरबीसीज ज़्यादा जो है ब्रेक डाउन होंगे तो वो क्या बनेंगे, एक्सेस बिलीरुबिन बनेगा, तो वहाँ पे जॉइंटिस के लक्षण दिखेंगे। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो हल्का फुल्का आपका बिलीरुबिन भी रेज मिल सकता है। उसी तरह से आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हो रहा है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि शरीर में जो है खून की आरबीसीज की कमी है, तो उसकी वजह से जो हमारा, क्योंकि मैंने बताया कि आरबीसीज क्या करते हैं, जो ब्लड है उसको रेड कलर प्रोवाइड करती हैं, तो क्या होगा कि जो हमारा आरबीसीज कम हो जाएंगे तो जो हमारा जो बॉडी है वो अच्छी नहीं लगेगी, पीलापन जैसा लगेगा उसमें, और जो है सफ़ेदपन लगेगा, कुछ होते हैं ना कि जैसे दिखता है कि बिल्कुल सफ़ेदी सी आ गई है बॉडी में, मतलब जो चार्म होना चाहिए कलर में वो दिख नहीं रहा है, पीला मतलब बिल्कुल पेल टाइप की दिख रही है, तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा सिम्टम है माउथ रिलेटेड इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमारी जो टंग है वो हमें स्मूथ, शाइनी और रेडिश मिल सकती है, क्योंकि हमारे टंग में आपने देखा होगा उभार होते हैं जिसको हम पैपिलाई कहते हैं। तो इन पैपिलाई में क्या होते हैं, टेस्ट बड्स भी होते हैं। तो जैसे जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो पैपिलाई हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो ये जो हमारी टंग है वो सपाट हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी और स्मूथ लगेगी, तो उसकी वजह से ये हमें देखने को मिलता है। तो पैपिलाई में टेस्ट बड्स भी होते हैं, टेस्ट बड्स कम हो जाएंगे तो हमें स्वाद भी कम लगेगा, हमें जो खाना है वो हमें उतना टेस्टी नहीं लगेगा। फिर दूसरा ये है कि इसमें हमें बार बार मुंह में छाले हो सकते हैं, हमें एप्थस अल्सर जिसको हम बोलते हैं, कि हम सोचते हैं कि हमारे मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं, तो ये बहुत कॉमन है। हम इसमें जो है कुछ विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत आम है जो लोग अक्सर जानते हैं। फिर ये है कि हमें आई रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या होती है कि जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती हैं, जो हमारी आंखों में जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें धुंधला दिखने को लगता है, डिस्टर्ब हो जाती है हमारी विजन। कभी कभी ऐसा जब ज्यादा हो जाता है तो हमारा जो विजन है वो भी लॉस हो जाता है। उसी तरह से हमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, या फिर हम कभी देखते हैं कि शरीर में ऐसा लगता है जैसे सुई चुभ रही होगी या फिर चींटियां चल रही होंगी, तो उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी ही हम मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो नर्व्स होती हैं उसके ऊपर एक माइलिन शीथ होती है, एक शीथ होती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, और विटामिन B12 उस शीथ को बनाने के लिए, उस कवरिंग को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन B12 की जब कमी हो जाती है तो माइलिन शीथ भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारी जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो अगर विटामिन B12 के शरीर में कमी होगी तो क्या होगा, हमें शरीर में सुई चुभना, चींटी चलने जैसा अनुमान होगा, तो ये एक लक्षण ये भी है। उसी तरह से हमें जब हम चलते हैं, हम कुछ थोड़ा सा भी एक्सर्शन करते हैं, तो हमारी जो सांसें हैं वो फूलने लग जाती हैं, क्योंकि आरबीसीज कम हो जाएंगी विटामिन B12 के कारण से। जब वो कम होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी नहीं होगी। तो ज़्यादातर वैसे तो अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कभी कभी लंग की डिजीज़ की वजह से, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से भी क्या होता है कि जो
डिजनिया है या फिर जब सांस चलने में जो दिक्कत होती है एग्जर्शन करने में, तो वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय भी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है हमारे लंग्स में या फिर हार्ट से नहीं हो पाती है, तो उस समय भी ये लक्षण देखने को मिलता है। पर विटामिन B12 की कमी के कारण भी ये देखने को मिलता है। उसी तरह से कभी हम जैसे चल रहे होते हैं तो चलने फिरने में हमारा जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, हम लड़खड़ाते हैं, तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो शायद विटामिन B12 की कमी की वजह से भी हो सकता है। उसी तरह से जैसा मैंने अभी बताया कि विटामिन B12 हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए जैसे अभी बताया कि शरीर में सुई चुभना या फिर चींटी चलना जैसे लक्षण होते हैं, उसी तरह से अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, डिप्रेशन आने लग जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, भूलने की आदत हो जाती है, या फिर मूड स्विंग्स भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर एक लक्षण ये भी होता है कि हमारे जो हेड है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसको हम हेडेक कहते हैं। तो कॉन्स्टेंट वो पेन हमें बना रहता है, हम सोचते हैं कि हमने आँखों की भी जाँच करा ली, हमें कोई अदर प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी ये बार बार हमें सरदर्द क्यों बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं विटामिन B12 की कमी के कारण भी हो सकता है। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये है कि बुखार भी एक इसका सिम्टम है, कि बार बार बुखार आता है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कभी कम हो जाता है, तो ये विटामिन B12 की कमी के कारण भी हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जो थर्मोरेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से कभी बुखार चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है। तो ऐसे ये कुछ 10 लक्षण हैं जो हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। ये रिवर्सिबल होते हैं तो टाइमली इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं।